शिकवा किया पाकिस्तान के बोर्ड से कि उनको जो है वो चेयरमैन बॉक्स के टिकट भेजने चाहिए थे और 3 वनडे मैचेस के उनको 12 टिकट ज़रूर भेजे गए, लेकिन वो उनको भेजे गए हनीफ मोहम्मद इंक्लोजर के। ये शिकवा इस जगह तक, इस पॉइंट तक बिल्कुल सही था, लेकिन साथ साथ उसके बाद जो उन्होंने हरकत की, उन्होंने ये कहा कि जी आप क्या आप ज़हीर अब्बास साहब को इस इंक्लोजर टिकट भेजते, क्या आप जावेद निज़ात को इस इंक्लोजर टिकट भेजते, क्या आप जो है वो शायद आफरीदी को इंक्लोजर टिकट भेजते। तो मेरा एक छोटा सा सवाल ये कि जिन प्लेयर्स के आप नाम ले रहे हैं कि जितना अरसा शायद आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ग्राउंड पे नहीं गुजारा होगा, इतना अरसा इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में गुजार दिया होगा। अगर आप ज़हीर अब्बास की बात करते हैं तो उनके बराबर कोई पहुँच नहीं सकता, मियादाद के बराबर कोई पहुँच नहीं सकता, फैन फॉलोइंग में शायद आफरीदी के बराबर कोई पहुँच नहीं सकता, और अगर 5 टेस्ट मैचेस में 17 विकेटें लेने वाला प्लेयर ये बात करे और 2 वनडे में 2 विकेटें लेने वाला प्लेयर ये बात करे कि आप ज़हीर अब्बास, मियादाद और शायद आफरीदी जैसा इक्वल ट्रीटमेंट मेरे साथ करें, तो ये नाजायज़ है या नहीं है। पहले तो शायद भाई ये बताइएगा, ये शिकवा यहां तक सही था कि उनको बेहतर इंक्लोजर के टिकट मिलने चाहिए थे, लेकिन जो उन्होंने नाम लिए कि उन्होंने मियादाद की बराबरी करने की कोशिश की, उन्होंने ज़हीर अब्बास की बराबरी करने की कोशिश की, उन्होंने शाहिद आफरीदी की बराबरी करने की कोशिश की, ये तीनों नाम ऐसे हैं कि पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में नामों का डंका बजता है, और तनवीर अहमद को सिवाय कराची से बाहर कौन जानता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ग्रेटेस्ट ज़हीर अब्बास जो 100 सेंचुरी बना चुके हैं, एशियन ब्रेडमैन ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटर किया, जावेद मियादाद 6 वर्ल्ड कप खेले, 124 टेस्ट मैच खेले, उनसे बड़े प्लेयर नहीं आता। तनवीर से ये पूछा जाए, तनवीर साहब आपको यही बहुत है, पीसीबी ने आपको याद रखा है, अगर पीसीबी की बहुत पीसीबी की क्वालिटी है, पीसीबी अपने तमाम क्रिकेटर को, टेस्ट क्रिकेटरों को उनके पास गाड़ी का टिकट, गाड़ी का स्टिकर पहुंचाते हैं। पीसीबी के जो सीनियर जनरल मैनेजर अरशद खान, जो यकीनी तौर पर दयानतदार ईमानदार आदमी है, काम के जो पीसीबी से ऊपर था, हेडक्वार्टर से आया जाता है, वो एक तरह का शुरू कर जाता है, कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होती पासों में, और जो जितने भी क्रिकेट कराची में रहते हैं टेस्ट क्रिकेटर, उनको इसी तरह के पास दिए गए। मगर तनवीर ने जो गलती की है, ग्रेट लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद जो मेरे डैडी है, मेरे मौसी ने उनके पास फाड़ा ना, ये चीज पड़ोसी मुल्क में इसका बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। देखे ये बहुत बड़ा जुल्म है, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इख्तलाफ कर सकते हैं, लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद जो दुनिया, सवाल सिर्फ यही है, देखिए मेरा सवाल यह है कि मैं खुद रिस्पेक्ट करता हूं टेस्ट क्रिकेटर की, क्योंकि क्रिकेट है तो हम सब हैं, लेकिन आप ज़हीर अब्बास की बराबरी करने की बात कर रहे हैं, आप मियादाद की बराबरी करने की बात कर रहे हैं, शाहिद आफरीदी की बराबरी की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 3-4 दिन पहले हमने जाके 499 रन की उस इनिंग को सेलिब्रेट किया, वाहिद चैनल था GTV, वाहिद स्पोर्ट्स का शो था G Sports के, जिसका माइक और कैमरा वहां पर मौजूद था, हमने मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज किए KPI ग्राउंड के अंदर, हमने कल सादिक मोहम्मद साहब की बर्थडे को सेलिब्रेट किया, हम मोहम्मद फैमिली के कारनामों को दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत जो है वो मोहम्मद फैमिली के कारनामों से है, और आप उसी हनीफ मोहम्मद के इंक्लोजर के नाम के टिकट फाड़ रहे हैं, जरा से भी शर्म, जरा से भी गैरत, जरा से भी हया नहीं आती एज अ टेस्ट क्रिकेटर आपको कि इतने बड़े लेजेंड के इंक्लोजर के नाम के आप टिकट फाड़ रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी ज्यादती है, लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद पाकिस्तान की हिस्ट्री में जैसे क्रिकेट दुनिया उनको मारती है, लिटिल मास्टर का मसला ये है, दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह, मगर उसका ताल्लुक भी कराची से है, उसका ताल्लुक से 337 रन 449, जब डैडी मरूब हमसे बात करते थे वो लड़ते थे इस बात पे, कहते थे 499.5 रन आउट हुए थे, ये बात मिसाली तौर पर ये बात बताते हैं मरूम डैडी, मैं 500 रन बना रहा था तो मैं आधा रन क्रॉस कर चुका था, मगर उनका आप टिकट फाड़ रहे हो यार, आपको जानता कौन है, आप मुझे बताओ आप हो क्या, इस तरह की बात कर रहे हो, आप पाकिस्तान के हर प्लेयर के पीछे पड़ जाते हो, मोइन खान के बेटे को आप कहते हो बंपर मार दो, मोइन खान के बेटे के पास बल्ला नहीं है क्या, तुम बल्ला बंपर मार दो, कैसी बल्ला बंपर मार दो, वो भी एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर का बेटा है यार, वर्ल्ड क्लास का बेटा, आज पाकिस्तान की दुनिया की डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेटर जाकिर खान साहब जो यकीनी तौर पर बहुत अच्छी इंतजाम कर रहे हैं, पीसीबी की मैनेजमेंट को टिकट फाड़ने पर नोटिस लेना चाहिए, ये चीज गलत है, अगर आज टिकट फाड़ा कल को दूसरा लड़का उठ के ये बात करेगा ये चीज गलत है।